क्या कर दिया नगर पालिका बुलाओ, नगर पालिका बुलाओ। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज की मेरे दिन की शुरुआत हुई पता है कैसे, पोपट बन गए। मेरा पोपट कुछ ऐसे बना कि आज मुझे जाना था BIC, ये है बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, वहाँ पर एक इवेंट था, मेरे को वो कवर करना था। अब जाना था मेरे को आज सुबह, मैं सुबह उठा, फिर मैंने अपने फ्रेंड से पूछा कि क्या भाई इवेंट में जाना है, सब रेडी है ना? तो उसने कहा कि नहीं यार इवेंट तो कैंसिल हो चुका है क्योंकि क्राउड इतना था ही नहीं, और वहाँ पे MS धोनी को भी आना था तो धोनी का आना भी कैंसिल हो गया। मैंने कहा लो भाई दिन खराब बन गया पोपट। देन मैंने अपने दोस्त वैभव को फ़ोन मिलाया, मैंने कहा वैभव भाई कहाँ पे है? उसने बोला मैं घर पे हूँ। मैंने कहा चल मेरे को व्लॉग बनाना है, शूट करते हैं, तू भी मेरे व्लॉग में नहीं आया? तो कहता है हाँ भाई मैं रेडी हूँ, तू आ जा। तो अब जाके मेरा दिन कहीं ट्रैक पे है और अब जाके मैं बाहर जा रहा हूँ आज का ये पूरा व्लॉग शूट करने। और जो मेरा दोस्त है वैभव, वो मेरा बहुत ही प्यारा मित्र है, कभी मेरे व्लॉग में भी नहीं आया, तो आज उसको भी इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो चलते हैं, वीडियो को एंड तक देखना, बाय बाय। आज काफ़ी ज़्यादा स्मूथ ड्राइव थी, काफ़ी मज़ा आया ड्राइव करने में क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा कम था आज। अभी तो मैं क्या वेट कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहा, पता नहीं साला क्या बोल रहा था कि बस पहुँच गया। बस जैसे ही वो आता है फिर हम व्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। A few moments later. So guys, finally Weber Mera in the house, baby. Yeah. Yeah. अरे भाई 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 भाई। तो भाई सबसे तगड़ा इंट्रो दिया है मैंने अभी तक इसको। भाई पैसे निकाल थोड़ा। भाई से पैसे? अच्छा ये सब छोड़, हमारी दोस्ती बता कितनी पुरानी है। दोस्ती भाई हम 11th क्लास से बिल्कुल साथ में साथ बैठते थे, साथ में खाते थे, अलग ही चिल रहता था हमारा। भाई तूने बर्ड सेंचुरी क्यों बुलाया मेरे को? क्रो मैन है क्या? भाई क्रो। भाई क्रोमैन से याद आया, जब भी हम क्लास में जाते थे ना साथ बैठते थे, कैसी बातें करते थे हम? भाई हम करते थे ऑडिशंस लिया करते थे बच्चों, फिल्मी एकदम फिल्मी बातें। तो हम पता कैसे मोमेंट क्रिएट करते थे कि हम जैसे कास्टिंग डायरेक्टर है मैं और वैभव, और बच्चे को ऑडिशन लेते थे और लोग आते भी थे। तो रमन भाई याद है वो दिन जब हम एक दूसरे को जोक सुनाया करते थे? तो बहुत टाइम हो गया जोक सुनाए यार, एक जोक सुना दे प्लीज, ऑडियंस सुनना चाहती तेरे जोक्स और तेरे पीजेस। चल दिल खुश हो जाएगा भाई। एक बार तीन कॉकरोच थे वो रास्ते से जा रहे थे, ठीक है, हुआ क्या एक कॉकरोच एकदम सडनली गाना गाने लगता है आशिक बनाया आपने, अच्छा थोड़ी देर बाद तीनों कॉकरोच मर जाते हैं, बता क्यों? क्यों बता बता नहीं पता क्यों? क्योंकि वो गाना हिट था। अरे भाई भाई यार ये क्या कर दिया, नगर पालिका बुलाओ, नगर पालिका बुलाओ भाई। 1 hour later. अब सीन क्या है ना, बचपन में खेलते रहते थे हमेशा बहुत ज्यादा, तो अभी हम कहाँ जा रहे हैं? ग्लूड रिलोडेड, बचपन को रिलोड करने के लिए, है ना, खेलने के लिए, फॉर हैंगआउट फॉर नोएडा स्टूडेंट जो कि MET में पढ़ते हैं। भाई इंग्लिश इंग्लिश बहुत वीक है भाई। पहली चांस तो मेरी है भाई, क्रिकेटर रहा है बैटिंग करने से, पहले मैं बैटिंग करने जा रहा हूँ, पहले मेरा गेम देखना फिर इसका देखना। हम हमेशा चेस में भरोसा रखते हैं और हम जीत के दिखाएंगे इसका। विराट कोहली ने पता ओपनिंग करने स्टार्ट कर दी। अच्छा T20 में रेडी है भाई? रेडी। सेंचुरी मारो, सेंचुरी देख ले, वार्म अप तो कर ले। तुम्हारे 37 रन जीत पाएगा, बहुत कार चल बे चल। हारेगा भाई हारेगा, वैभव मेरा हारेगा। झटका, इसे कहते शॉट।
जिसे कहते हैं ना बहुत ही गंदी हार, साला वो हार है, बहुत गंदे वाली हार, घटिया हार, घटिया हार आ रहा है। छक्के मैंने ज्यादा मारे थे, गगन चुम्बी छक्के मैंने ज्यादा मारे, गगन चुम्बी मैंने ज्यादा मारे। वैभव कैसा लग रहा है दो गेम हार के? बास्केटबॉल क्रिकेट दोनों हार गए। टेबल टेनिस भी हारेगा ना? टेबल टेनिस मैं नहीं हार सकता क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा टेबल टेनिस, चैंपियन है, बट चैंपियन है टेबल टेनिस का। मैंने टेबल टेनिस का मैच किया जिसमें मैं बहुत ही शर्मनाक हार आ रहा, तीन चार मैच में से एक मैच जीता भाई। से बाहर जगह तो बहुत ज़्यादा हैपनिंग थी, बड़ी सही जगह लगी, गेमिंग के लिए तो बेस्ट है, तेरा क्या कहना है? बहुत ही हैपनिंग प्लेस है यार, आप आओ, अगर आप गेमिंग के बहुत बड़े फैन हो बेस्ट होता ना फीफा वाला, फीफा 18 सोचो यार, फीफा 19 भी आने वाली है, 19 वाली है, और कॉल ऑफ ड्यूटी सब है इसमें, सब आ रही है, और बॉलिंग है, क्रिकेट है, टेबल टेनिस है, और जितने भी सारे जो छोटे मोटे स्पोर्ट्स होते हैं सब है, सब है, और इतना कोई एक्सपेंसिव भी नहीं है, आप 180 में 1 hour मिल रहा है आपको, वर्थ है। किसका था? फीफा का, कॉल ऑफ ड्यूटी कोई सी भी गेम मिलो 180 पर आ रहा है, एंड अंदर फूड भी था, तो सारे आउटलेट्स वहाँ पे, रोल्स किंग वगैरह सब था, जगह तो है ना टापम टाप लल्लन टाप। और बस एक चीज़ खराब थी वहाँ का मैनेजर, बहुत दिक्कत करी उसने नीचे वाले फ्लोर पर करने में, नीचे वाले फ्लोर पर शूट करने में दिक्कत करी, ऊपर तो उसे फर्क भी नहीं पड़ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं। अब वैभव को ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई कि बंदा ना अंदर से उसका पूरा ब्रॉश उठा के लिया, आप समझाता क्या है वो बता भाई। तो इनमें ये जो है हमारा मिस्ट्री रूम, एक नया कंसेप्ट निकाला है, इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें फिजिक्स वाले कॉन्सेप्ट नहीं है, ये कॉन्सेप्ट नहीं है, ये बहुत ही अच्छा आइडिया है ये बहुत। तो इन्होंने 5 तरह के रूम बनाए मिस्ट्री रूम्स, इसमें आप अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली के साथ पूरा एक ग्रुप आ सकता है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 6। तो अब मैं अगर ये रतिक देख रहा वीडियो देखेगा ही भाई, घंटा दबा रखा उसने, घंटा दबा रखा भाई। रतिक भाई अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस वाले में भांगड़ रूम में हमारे को जाना है अगली बार, और इस बार का व्लॉग निकालेंगे हम। और एक घंटा मिलता है, एक घंटे में आपको सारे पजल सॉल्व करके उस रूम से बाहर निकलना है, रूम से बाहर निकलना है पूरे ग्रुप, बहुत ही नया और यूनिक कॉन्सेप्ट है। A few moments later. वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ग्लूड रीलोड कहाँ पे पड़ता है, ये है सेक्टर 41 में, और नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कौन सा पड़ता है? बोटानिकल गार्डन या फिर ओगला बर्ड सेंचुरी। और वैसे जो डायरेक्शन है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई हो, हमारी छोटी सी प्यारी सी वीडियो, तो इस वीडियो को लाइक करना, और भाई क्या करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर कर देना है ना, और कॉमेंट करके बताना कि जोड़ी कैसे लगी हमारी, लगी ना खतरनाक वाली। तब तक के लिए खुश रहो, आबाद रहो, जिंदाबाद रहो, मिलते हैं अगले व्लॉग में। अरे भाई जाते जाते जोक तो सुन ले। अच्छा सुना, अगर एक रोज को चांद पे भेजना हो, हाँ हाँ, तो आप उस रोज को क्या बोलोगे ऐसा कि वो चांद पे चले? सोचो, आप भी सोचो, जा रोज चांद पे। ऐसे कैसे है पता नहीं, गुलाब जामुन।